नमस्कार। कहीं ना कहीं कोविड-19 जो कोरोना वायरस को लेकर कहीं ना कहीं इतनी महामारी हुई कि लोगों को खाने पीने की जो परप्रांतीय लोग हैं या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी करते जीते हैं, जो डेली काम काज करके आते हैं, उनके लिए खाने की काफ़ी अर्थव्यवस्था, उसके लिए लेके हम इस समय मौजूद हैं भटार में, जहाँ पर राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इनका सेवा तत्वाधान में चल रहा है, जहाँ पर गरीब असहाय लोगों को खाना वितरण करने में आ रहा है। आइए हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है, किस तरीके से आप लोग ये जो वितरण कर रहे हैं गरीब लोगों को, अनाथ असहाय लोगों को, क्या है, किस तरीके से आप लोग करते हैं? हमें प्रेरणा हमारे बुजुर्गों से मिली, उसके द्वारा ही हम लोगों ने प्रेरणा को उनको सिर माथे पे लेके 2 तारीख से हम लोगों ने शुरू किया है। रामनवमी के दिन से हम लोगों ने प्रसाद वितरण का काम शुरू किया। हम लोगों ने 500 पैकेट का बनाने के हिसाब से शुरू किया था और अभी हम लोग 1700 से 1800 फूड पैकेट तक पहुँच चुके हैं। तरीके से करते हैं, क्या इसमें कलेक्टर साहब का आदेश है या फिर हम लोग इंडिविजुअल किसी को ना दे के RSS और SMC वालों को दे रहे हैं? क्या अभी तक आप जो राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके माध्यम से आप लोग कहीं कहीं वितरण किए हैं कि आप फिर डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे बनाते हैं, बना के सप्लाई कर देते हैं? हम लोग यहाँ पे बना के RSS वालों को और SMC वालों को दे देते हैं। सूरत के वासियों की आप क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना वायरस को लेकर? अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है, सबके लिए यही आदेश है कि अपने घरों में रहें, सेफ रहें, क्योंकि इस बीमारी का सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि अभी अपने घर पर रहें, सेफ रहें और अपने परिवार की, अपने बुज़ुर्गों की रक्षा करें और बच्चों को घर पर रखें। खासकर जो 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं उनको कृपया विशेष करके उन्हें घर पर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो 10 साल के छोटे के बच्चे हैं उन्हें भी अपने घर पर ही रहना चाहिए और जितना हो सके घर में रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। हम यही देशवासियों से और हमारे सूरत वासियों से अपील करते हैं कि इस महामारी को अगर बचाना है तो कीप सोशल डिस्टेंस बना के रखिए और कृपया करके सभी अपने घर में सुरक्षित रहिए। अभी देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे नवीन जी, जो कि युवाओं के श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इनका जो कार्यक्रम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, इनके माध्यम से जो युवाओं का ग्रेड होता है इन्हीं को मिलता है। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से युवाओं को अगर इमरजेंसी काम हो तभी निकलिए, अन्यथा बाहर मत निकलिए। अगर कहीं को किसी को अगर असुविधा प्रदान होती है तो उसको लेकर आप निकल सकते हैं। मैं कैमरामैन सुनील जी के साथ प्रेम कुमार निषाद, AB लाइव न्यूज़ सूरत।